हाय स्टूडेंट, जी आई टी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में वो जानेंगे कि अगर जो सी एस एस में सेलेक्टर जानना हो तो सेलेक्टर कैसे काम करता है। क्योंकि ध्यान रखिएगा, पिछले क्लास हमने आपको बताया था कि जब आपको कोई भी स्टाइल करना होगा तो आप सी एस एस पे आके करें, और सी एस एस के माध्यम से करने के लिए हमने आपको तीन तरीका बताया था। तीन कौन कौन सा था? तो तीन में पहला था, पहला इनलाइन, दूसरा क्या था इंटरनल, दूसरा क्या था एक्सटर्नल। इतना क्लियर है ना? इनलाइन क्या है कि जो हम अगर जो कोई H1 हेडिंग या कोई भी कंटेंट लगा रहे हैं उसके अंदर ही अगर हम स्टाइल देंगे तो हमारा क्या होगा, इनलाइन। इंटरनल क्या होगा कि हेड सेक्शन के अंदर अगर जो हम स्टाइल लगा करके और उसके अंदर लगाते हैं हमारा क्या होगा, इंटरनल इंटर। और एक्सटर्नल क्या होगा, अलग से हम एक CSS का फाइल बनाएंगे और इस CSS के फाइल को HTML के फाइल से हम क्या कर देंगे, लिंक कर। तो ये हमारा क्या होगा, एक्सटर्नल। ये तो हमने आपको बताया था। लेकिन हाँ, एक चीज और ध्यान रखिए, सबसे पहले जब हम सेलेक्टर की बात करें तो सेलेक्टर इसमें चार पांच प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? पांच प्रकार। कौन कौन? देखिए, सबसे नोट्स में आ जाइए। सबसे पहले समझ लीजिए, थोड़ा सा ऊपर CSS सिंटैक्स दिया है, सिंटैक्स दिया है ना, तो सिंटैक्स उसकी साइड में प्रॉपर्टीज आपको दिख रही होगी। जैसे सपोज करिए कि अगर आपने यहाँ पे लगा दिया H1 हेडिंग और H1 के अंदर आपने लिख दिया अपने इंस्टीट्यूट का नाम, पेज नंबर है 12। हाँ, सर बता दे। हमने अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखा यहाँ पे, सेव करके फिर कहाँ पे आ गए, आउटपुट, आउटपुट। अब जैसे हम आउटपुट पे आएंगे ना, देखो सिर्फ हमारा हमारे इंस्टीट्यूट का नाम दिख रहा है ना। यस अब करना क्या है, यहाँ आने के बाद से अगर हमको इसमें स्टाइल देनी, क्या देनी है, स्टाइल, थोड़ी सी हमको इसमें डिजाइनिंग करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चलो हेड सेक्शन के अंदर ही आ जाते हैं। कहाँ पे आ गए, यानी कि इंटरनल CSS लगा लेते, हो जाएगा ना। और इस CSS के अंदर यहाँ नहीं देना होगा ना, हेड सेक्शन में देना होगा ना। यहाँ देना होगा हेड सेक्शन के अंदर, क्या देते हैं पहले, स्टाइल। और स्टाइल के अंदर हमको क्या देना है, तो सबसे पहले H1 का कलर देना है ना, तो H1 लिखेंगे और कर्ली ब्रैकेट को क्या कर लेंगे। अब जैसे ध्यान रखिएगा, जो हमने यहाँ पे H1 लिखा है ना, यही हमारा सेलेक्टर है, यही हमारा क्या है, सेलेक्टर। और इसके आगे अगर हम यहाँ पे लिख दे कलर, हमको क्या देना है, कलर, यानी कि टेक्स्ट का कलर देना है, तो ये कलर हमारा क्या होगा, प्रॉपर्टीज हो जाएगा। कलर क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टीज। और इसके अंदर हम आकर के यहाँ दे दिए क्या, जिस जो भी कलर हमको चाहिए, सपोज करिए हमको पिंक कलर चाहिए तो पिंक कलर दे दिए, अर्थ में ना। या टेक्स्ट का अगर जो हम लोग दूसरा कोई कलर रखे तो बेहतर दिखाई दे, कौन सा कलर रख दिया जाए बेहतर दिखे, रेड, चलिए हम दे दिए रेड, रेड दे दिए। रेड हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिक्लेरेशन। और उसके आगे जब जाएंगे, सपोज करिए आपने इसी के साथ और भी चीजें लिख दीजिए, सपोज करिए आप सेम ये कॉलन कर दिए और इसके बाहर आकर के आपने लिख दिया कि आप फॉन्ट साइज, क्या लिख दिया आपने, फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज क्या हो गया, आपका जो फॉन्ट लिखे आप ना, आप उसके साइज को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लिख दें क्या, सपोज करिए हम लिख दें 15 पिक्सल, कंट्रोल यस से सेव किए और अपने आउटपुट। अब कुछ अंतर आपको दिख रहा है ना, क्योंकि साइज काफी हम छोटा कर दिए हैं। अगर यही साइज को अगर हम यहाँ पे बड़ा कर दें, इसको हटा करके हम कितना कर देते हैं, 35 कर देते, सेव और आउट, कुछ बड़ा हुआ है ना। अब ध्यान रखिए, यहाँ पे जो कंटेंट हमने इस्तेमाल किया, तो H1 हमारा क्या हो जाएगा, सेलेक्टर, और ये कलर हमारा क्या होगा, प्रॉपर्टी, और ये हमारा क्या होगा, क्लियर वैल्यू है है ना। अब दूसरी चीज इसके आगे और ध्यान रखिएगा, हाँ एक और समझिए, इन सबको मिला करके, इन सबको मिलाकर क्या बोलेंगे, डिक्लेरियस। लेकिन हाँ एक चीज और है, सेलेक्टर का काम जो हम लोग कर रहे हैं तो सेलेक्टर ही हम लोग जानने वाले हैं कि यहाँ पे अगर जो हम एक और H1 लगा दिए, क्या लगा दिए, एक और H1, और यहाँ पर हम लिख दिए क्या, पडरौना कुशीनगर, पडरौना कुशीनगर, सेव किए। और सेव करने के बाद हम आ गए किस पे, आउटपुट पे, तो क्या ये भी तो चेंजिंग हो रहा है ना। आ रहा समझे ना, देखिए इसको इसी लिए जाने हम लोग सेलेक्टर,
इसमें देखिए, इसमें सेलेक्टर दिया कितने प्रकार के होते हैं, पांच। पहला दिया है क्या, सीएसएस एलिमेंट सेलेक्टर। देखिए नीचे वाले दिया है, पहला क्या दिया है, एलिमेंट सेलेक्टर। अगला क्या दिया है, आईडी सेलेक्टर। उससे अगला दिया है क्लास सेलेक्टर। उसके आगे यूनिवर्सल सेलेक्टर, और उसके आगे सीएसएस ग्रुप सेलेक्टर। तो अभी हम लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ये हमारा कौन सा सेलेक्टर है, ये हमारा है एलिमेंट सेलेक्टर। ये क्या है, एलिमेंट सेलेक्टर, कि जो हम टैग लगाए हुए हैं और उसी टैग के माध्यम से यदि हम कोई स्टाइलिंग देंगे तो हमारा कौन सा सेलेक्टर होगा, एलिमेंट सेलेक्टर। क्लियर है ना, क्योंकि यहां पर हमने किसके नाम से दिया है, टैग के नाम से ही तो दिया है ना। दूसरी चीज कि अगर हम यहाँ नीचे पैराग्राफ लिख दें, कुछ नीचे क्या लिख दें, पैराग्राफ, और इसके आगे हम कुछ लोअर हम जैसे कुछ कंटेंट लिख दें, सेव किए और आउटपुट पे आ गए। अभी कोई बैकग्राउंड या कोई इसमें चेंजिंग नहीं दिख रहा है ना। हाँ, इसके लिए भी सीएसएस करनी है, स्टाइल देनी है। स्टाइल देने के लिए हम आ जाएंगे कहाँ पे, स्टाइल टैग के अंदर, यही है ना। इसके अंदर आकर के हम दे देंगे क्या, तो पहले पैराग्राफ टैग लगा देंगे, कर्ली ब्रैकेट हो गए। इसके बाहर आ लिख दिया पैराग्राफ, कर्ली ब्रैकेट, वो क्या कर ली, यहाँ पहले हमने लिखा बैकग्राउंड कलर, पहले बैकग्राउंड को क्या करना है, कलर कर देना। फिर नीचे हम लिख दिए कलर, ये टेक्स्ट के कलर को करना है, और इसमें हम कुछ अलग कलर लिखा, सेव किए, और सेव करने के बाद कहाँ पे आ गए, आओ तो क्या कलर कुछ दिख रहा है चेंजिंग में। दूसरी चीज कि अगर जो एक और नीचे हम पैराग्राफ लिख दें, इसके नीचे एक और क्या लिख दी, पैराग्राफ, और यहाँ पर हम लिख दिया लोरेम, सेव किए, और सेव करने के बाद से आउटपुट पे आ गए। तो क्या सबकी चेंजिंग, आपको सबकी फॉर्मेटिंग वही दिख रही है ना, आ रहे समझे ना। तो इसलिए सेम दिख रहा है क्योंकि अभी जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ये हम लोग का कौन सा सेलेक्टर है, एलिमेंट सेलेक्टर। तो पहले पूरे सेलेक्टर के बारे में समझ लीजिए कि अगर जो कहीं आपको सेलेक्टर देना होगा तो सबसे पहला क्या है, एलिमेंट सेलेक्टर। तो हम उस टैग के माध्यम से ही, जो उस टैग के नाम से जो सीएसएस देंगे वो हमारा कौन सा सेलेक्टर होगा, एलिमेंट। और उसके नीचे दिया क्या, आईडी सेलेक्टर। अगला क्या दिया है, आईडी सेलेक्टर, तो जिसको हम हैज से प्रेजेंट करते हैं, किससे प्रेजेंट करेंगे, हैज से, वो हमारा कौन सा सेलेक्टर होगा, आईडी सेलेक्टर। और उसके नीचे क्या दिया है, क्लास सेलेक्टर, तो क्लास सेलेक्टर को हम लोग डॉट से डिफाइन करते हैं, किससे, डॉट से। और फिर इसके आगे दिया है क्या है, यूनिवर्सल सेलेक्टर। देखिए यूनिवर्सल सेलेक्टर को अगर हमको डिफाइन करना है, यूनिवर्सल सेलेक्टर के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसका, स्टार। किसका इस्तेमाल करते हैं, स्टार। कि अगर जो हमको यूनिवर्सल सेलेक्टर देना हो तो उसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, स्टार। इतना क्लियर है ना। अब देखिए सबसे पहला हम लोगों ने जाना कौन सा, एलिमेंट सेलेक्टर, कौन सा, एलिमेंट। तो एलिमेंट का काम क्या है, इतना समझ लीजिए कि अगर आप कोई भी HTML के कंटेंट लिखे हुए हैं और यदि आपको कोई भी स्टाइल देनी है तो आप उस टैग के माध्यम से ही सीएस स्टाइल देंगे, वो आपका कौन सा एलिमेंट कहलाएगा, ये कौन सा सीएसएस, एलिमेंट सेलेक्टर। और उसके आगे आगे तो दिया है अगला आईडी सेलेक्टर। देखिए आईडी में क्या करना है, आपने H1 हेडिंग कितना दिया है, बार दो। पैराग्राफ आपने कितनी बार दिया है, हम चाहते हैं दोनों का जो है ना कलर अलग रहे, दोनों का स्टाइल अलग रहे, आया समझे ना। हम कुछ भी कर ले अभी यहाँ पे एलिमेंट सेलेक्टर के माध्यम से तो ये अलग अलग होने वाला नहीं है, नहीं। उसके लिए क्या करना, देखिए सबसे पहले आपको H1 के अंदर आ जाना होगा, आया समझे ना। और यहाँ पे हम दे देंगे आईडी, क्या दे देंगे, आईडी। और यहाँ पे उस आईडी का नाम दे देंगे, आपको जो नाम देना है, जो भी आप नाम देना चाहते हैं वो नाम यहाँ पे दे सकते। जैसे सपोज करिए हम यहाँ पे सिर्फ VH दे दिए, नाम सिर्फ क्या दे दिए, दूसरे वाले पे आ गए, और दूसरे वाले पे फिर हमने आईडी लगाया, और इसका आईडी हम दे दिए क्या, H1। इसका क्या दे दिए, सेव किए। अभी देखिए आउटपुट में आते ही अभी आपको फॉर्मेटिंग दिखाई दे रहा है ना, क्योंकि अभी एलिमेंट सेलेक्टर लगा हुआ है, एलिमेंट सेलेक्टर को हम यहाँ क्या करेंगे, हटा दें, हो जाएगा ना। अब आपको कलर किस पे करनी है, यस पे कि H1 पे। एक्सपर्ट अच्छा अभी सेव करके देखिए कोई कलर दिख रहा है क्या आउटपुट में, नहीं है ना। चलिए पहले हम कोड पे आते हैं, और पहले यहाँ पे हम हैज दे देंगे,
क्योंकि हैज किसको रिप्रेजेंट करेगा, आईडी सेलेक्टर, क्योंकि आईडी ही हमने दिया है ना, तो आईडी हमने दिया क्या, किसका इस्तेमाल करेंगे, हैज का। अब हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, यच, कर्ली ब्रैकेट को कर लेंगे, हो गया ना। अब इसके अंदर हम लिख देंगे बैकग्राउंड कलर, जो कलर चाहिए कलर लिख दिए, फिर आगे लिख लेंगे कलर, यानी कि टेक्स्ट का जो कलर चाहिए उसके लिए क्या लिखेंगे, सिर्फ कलर, और टेक्स्ट का कलर दे देंगे कौन सा, ये सेव किए, और फिर कहाँ पे आ जाएंगे, आउटपुट क्या देखिए, सिर्फ उसी का चेंजिंग हुआ है ना, यस तो आईडी सेलेक्टर का काम क्या, ये समझ में आ रहा है ना, सर। हो जाएगा। हाँ, पैराग्राफ पर भी सेम हमको यही दिख रहा है, तो पैराग्राफ पे आईडी सेलेक्टर के बजाय हम लोग क्लास सेलेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं, आईडी सेलेक्टर भी लगा सकते हैं, लेकिन क्लास सेलेक्टर समझने के लिए हम यहाँ पर लगा दिए क्लास, तो टैग के अंदर आ जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे क्लास, क्या लिखेंगे, और क्लास हम यहाँ पर डिफाइन कर दिए, हमारा पी है और इसके नीचे वाला हमारा क्या है, क्लास P1, ये कौन सा है, P, हो जाएगा ना, कंट्रोल या से सेव किए, और सेव करने के बाद से आउटपुट पे आ गए, तो अभी आपको कोई अंतर नहीं दिख रहा है ना, क्योंकि पैराग्राफ पे वो स्टाइल लगा हुआ, तो देखिए हमने एक का पी दिया है ना, तो जस्ट इसके सामने हम सिर्फ डॉट लगा दिए, क्या लगा दिए, सेव किए, तो क्या ये दोनों के अंदर, पैराग्राफ की ये दोनों के अंदर चेंजिंग हुआ होगा, सिर्फ किसके अंदर हुआ होगा, पहले वाले के अंदर, सेव करके और आउटपुट पे आ, देखिए क्या दोनों में हुआ है, क्लियर है ना, इन दोनों का मतलब समझ आ रहा है, जहां जरूरत पड़े वहां आप क्लास सेलेक्टर दे सकते हैं, और जहां जरूरत पड़े वहां पे आप आईडी सेलेक्टर, जैसे सपोज करिए अभी आगे हम लोग जब बढ़ेंगे ना, तो आगे जब हम लोग जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे ना, तो बहुत जगह ऐसा होगा कि वहां पे हमको आईडी का इस्तेमाल करना, जावास्क्रिप्ट से फंक्शन देने के लिए किसका इस्तेमाल करना होगा, आईडी का, तो स्टाइल करने के लिए भी तो यहाँ पे हमको कोई आईडी देना होगा ना, फिर वहां पर हम आईडी देंगे तो काम नहीं करें, तो वहां पर हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे किसका, क्लास, वहां पर किसका इस्तेमाल कर लेंगे, पहला तो अभी तीन सेलेक्टर क्लियर हो रहा है ना, कितना सेलेक्टर, पहला हमने आपको बताया कौन सा, तो जो एलिमेंट बिल्कुल सिंपल है कि आप एक अगर जो 1000 बार आप यच वन टैग लगाए, कितनी बार, 1000 बार यदि यच वन टैग लगाए हैं, और यदि एक बार यच वन में आप फॉर्मेटिंग कर देंगे, तो वो हजारों क्या होगा, जितना भी आप यच वन हेडिंग लगाए रहेंगे सब में फॉर्मेटिंग होता हो जाएगा ना। अब चलिए रही बात कि हमने एक पे तो हमने स्टाइल दे दिया, इस पर भी एक में और इस पर भी एक में स्टाइल हो गया है ना, अब इसका अलग स्टाइल देना है, इसका अलग स्टाइल देना है, आपको करना क्या होगा, देखिए इसके लिए हम आईडी दिए हैं ना, तो आईडी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आईडी को हैज टेक्स, पहले हैज दे, फिर लिखेंगे एच वन, कर्ली ब्रैकेट क्या कर लेंगे, एंटर, अब इसका हमने लिख दिया क्या, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर ले लिए येलो, उसके बाद कलर ले लिए, कलर को ले लिए कौन सा, रेड, सेव किए और सेव करने वास्ते कहाँ पे आ गए, क्या दोनों का अलग अलग दिख रहा है चेंजिंग में, हो जाएगा ना, कोई इशू नहीं है, आप इसके नीचे जो है ना एक और एच वन हेडिंग लगा लीजिए, यहाँ भी एच वन लगा लीजिए, हो जाएगा ना, अब इस एच वन में हम यहाँ पे लिख दिए फिर से क्या, सपोज करिए हम लिख दिए यूपी, और इसका स्पिन लिख दिए कितना, 27 43 0, सेव किए और फिर कहाँ पे आ गया, आउटपुट, अब आपको यूपी और फिर आगे पिन दिख रहा है ना, इसकी स्टाइल ही नहीं हुई है ना, हम चाहते हैं जो इसका स्टाइल है सेम वही स्टाइल इसका भी हो जाए, आप ध्यान रखिए इस पे क्या लगाए हैं, आईडी, और आईडी में क्या लिखे हैं, तो इसके अंदर भी आ जाए, और आने के बाद आप सिर्फ लिखिए आईडी, और आईडी के अंदर वही वही आईडी नाम दे दीजिए, सेव करिए और सेव करने के बाद फिर आउटपुट पे आ जाए, क्या दोनों में सेम वही फॉर्मेटिंग हुआ है, हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों का नाम हमने सेम रखा, और जब नाम सेम है तो काम भी क्या होगा, क्लियर है ना, अगर जो हाँ आपको लग रहा है कि नहीं हमको सबका अलग अलग करते हुए चले जाना है, तो जैसे आपने इसका यच रखा पहचानने के लिए, इसको आपने यच वन रखा, आपने इसको यच टू रखी, इसके आगे यच 3 यच 4 यच 5 यच 6 यच 7 यच 8 यच 9, जितना रखना उतना रखते हुए चले।
क्लियर है ना। आप अलग अलग नाम भी दे सकते हैं, लेकिन हाँ याद रखिए जो नाम आप इस आईडी के अंदर देंगे वही नाम आपको यहाँ पर देना। क्लियर है ना, तो लगभग इतना तो क्लियर हो रहा है ना कैसे काम कर रहा है। और अगर अगर जो इस पैराग्राफ पे अलग करना हो तो, क्या सर इस पैराग्राफ पे अलग फॉर्मेटिंग करना हो ऊपर तो इसके लिए हम लोग क्या दिए हैं, P1 दिए हैं ना। तो P1 में क्या दिए हैं, क्लास दिए हैं ना। तो क्लास दिए हैं तो उसके लिए हम क्या कर लेंगे, वाले आ जाएंगे स्टाइल के अंदर और यहाँ लिखेंगे डॉट P1। डॉट क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये हमारा कौन सा सिलेक्टर है, क्लास सिलेक्टर है। जहां हमने क्लास लगाया वहां पे डॉट, जहां हमने आईडी लगाया वहां पे। और यहाँ हम कर देंगे क्या, हाँ वहां पे बस उस टैग के नाम से ही आएगा, जो टैग आप लिखें उसी टैग के नाम से ही आएगा। एक बार आप इवेंट सेलेक्टर लगा दीजिए, जहां जहां वो टैग रहेगा तो वहां वहां अपने आप फॉर्मेटिंग कर देगा, सब जगह का नहीं कर सकता नहीं, लेकिन वो सेम स्टाइल करेगा, अलग स्टाइल नहीं। डॉट P1 हमने लिखा, यहाँ हम दे दिए बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर में इस बार हम दे देते हैं ये वाला। उसके बाद हम दे दिए फिर से क्या, कलर, और कलर के अंदर आकर के इसमें उसको एक कलर दे, सेव किए, और सेव करने में फिर कहाँ पे आ गए, आउटपुट चेंज हुआ है ना, कोई दिक्कत इसमें। तो ऐसे अगर आपको अलग अलग स्टाइलिंग देनी है तो अलग अलग स्टाइल दे ले जाएंगे ना, हो जाएगा। चलिए अब ये तो हो गया हमारा 3 सेलेक्टर, एलिमेंट, क्लास और आईडी। अगला ग्रुप सेलेक्टर क्या है, अगला क्या दिया है, तो ग्रुप का मतलब पहले यूनिवर्सल दिया है ना। चलिए यूनिवर्सल हम लोग समझ लेते हैं, सबका हम कलर अलग अलग दिए हैं ना, सबका कलर अलग अलग दिए हैं ना, या चलिए सबका कलर हम यहाँ से हटा ही देते हैं। सबका जो कलर है कलर हम यहाँ से हटा दिए, सबका कलर सेम रख रहे हैं फिलहाल समझने के लिए। कलर सारा टेक्स्ट का कलर सारा हट गया है ना, सेव कीजिए और आउटपुट में आके एक बार चेक कर लीजिए। तो टेक्स्ट का कहीं कलर चेंज नहीं हुआ है ना, हमको पूरे टेक्स्ट का कलर एक ही बार करना है, आया समझ में ना। अब अगर जो हम बार बार लगाने जाएंगे तो क्या समय लगेगा कि नहीं लगेगा इन सब में, अभी तो इतना ही है ना, हम कोई जरूरी थोड़ी कि वेबसाइट बना रहे हैं, वेबसाइट डिजाइन कर रहे हैं तो इतना ही स्टाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जितना हम काम करें उतना स्टाइल देना होगा ना। हम चाहते नहीं सब पे, अगर जो हमको एक ही कलर करना है तो हमको सब में वो कलर लगाना हो, सब में न लगाना पड़े। आप इसके अंदर आ जाइए और एक बार आप लगा लीजिए क्या, यूनिवर्सल सेलेक्टर, कौन सा सेलेक्टर, यूनिवर्सल। कर्ली ब्रैकेट ओपन करिए जस्ट, और यहाँ पे लिख दीजिए आप सिर्फ कलर, क्या लिख लीजिए। अब देखिए टेक्स्ट का कलर हम सिर्फ एक्वा कलर कर रहे हैं, कौन सा कलर, सेव किए, और सेव करने के बाद हम कहाँ पे आ गए, आउटपुट। अब आपको कुछ अंतर दिख रहा है, हाँ यहाँ पे कलर पहचान में टेक्स्ट नहीं पहचान में आ रहा है, क्योंकि जो टेक्स्ट का कलर वही बैकग्राउंड का है, इसका कलर कुछ चेंज करके हम रेड कर ले, कौन सा कलर कर दें, चलो ग्रीन कर दें, ग्रीन से बेटर रहेगा ना। सेव किए और सेव करने के बाद से आ गए आउटपुट, सब पे कलर दिख रहा है ना। तो यूनिवर्सल सेलेक्टर मतलब समझ आ रहा है कि एक ही काम आपको पूरे पेज पे ही अप्लाई करना है, तो आप उसके लिए फिर किसका इस्तेमाल करेंगे, यूनिवर्सल। और यूनिवर्सल को रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, स्टार। क्लियर है ना, तो ये अभी जो हमने 4 आपको सेलेक्टर बताए, चारों सेलेक्टर क्लियर है ना। और जो आप सोच रहे होंगे कि आईडी सेलेक्टर का और क्लास सेलेक्टर का दोनों का काम सेम है, दोनों काम सेम ही है ना, कि अलग अलग कर दे रहा है, तो यहाँ पे कहीं ऐसा हो जाएगा कि आप क्लास सेलेक्टर का यूज नहीं कर सकते तो आपको आईडी सेलेक्टर का यूज करना होगा, और जहाँ पे आप आईडी सेलेक्टर का यूज नहीं कर सकते वहाँ पे आपको क्लास सेलेक्टर यूज करना होगा, आया समझे ना। और ध्यान रखिएगा ज्यादातर आपका आईडी और क्लास सेलेक्टर का यूज होता है एक वेबसाइट डिजाइन करने, पता है क्यों, क्योंकि पूरे पेज पे आप सेम एक फॉर्मेटिंग तो रखेंगे नहीं, तो यूनिवर्सल सेलेक्टर वहां पे कोई काम नहीं, पहली चीज। दूसरी, हाँ दूसरी चीज, एलिमेंट सेलेक्टर है तो आप उस टैग के नाम से ही तो करेंगे ना, जो आपने टैग दिया है। अब आप बताइए अगर जो आप H1 नाम से 4 हेडिंग दे दिए, अब चारों का आपको कलर अलग अलग ही रखना है, सेम नहीं रखना, तो वहां पे आप किसका इस्तेमाल करेंगे, एलिमेंट सेलेक्टर का।
इसी दोनों में से किसी का इस्तेमाल करेंगे ना, क्लियर है ना। चलो और लास्ट इसमें हम लोग को बचता है कौन सा, ग्रुप सेलेक्टर। तो लगभग ग्रुप का मतलब सबको पता होगा ना, समूह, यानी कि दो या चार कोई आपस में मिला दिया जाएगा तो ये हमारा क्या बन जाएगा। तो पहले यूनिवर्सल सेलेक्टर हम हटा देते हैं यहाँ से, यही है यूनिवर्सल सेलेक्टर ना, क्योंकि अभी इसका कोई काम नहीं। तो यूनिवर्सल सेलेक्टर का मतलब समझ रहे हैं ना, ध्यान रखिए कहीं भी आपको पूरे टेक्स्ट पे या कोई जो नहीं पूरे टेक्स्ट पे कोई भी आपको फॉर्मेटिंग करना है। फॉर एग्जाम्पल और हम ले लें यहाँ पे, तो हम सिर्फ कलर दिए हैं ना, देखिए यूनिवर्सल सेलेक्टर के माध्यम से हम बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं, और बैकग्राउंड सेलेक्टर में सब काम कलर कर दिए ब्राउन, सेव किए और सेव करने से कहाँ पे आ गए, और दिख रहा है ना, क्योंकि इसका भी आपको नहीं चेंजिंग दिख रहा हो, क्योंकि ये हमने आईडी सेलेक्टर का और क्लास सेलेक्टर का इस्तेमाल करके अलग अलग कलर दे। दूसरी चीज, हम इसी में आके फॉन्ट साइज लिख दिए, क्या लिख दिए, फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज क्यों देंगे, अपने टेक्स्ट साइज को बड़ा करने के लिए, हम यहाँ दे दिए 40 पिक्सल, सेव की और सेव करने के फिर कहाँ पे आ गए, आउटपुट। देखिए सबका साइज बराबर हुआ है, चाहे हमारा हेडिंग हो और चाहे हमारा पैराग्राफ, हो जाएगा ना। तो ये किसके माध्यम से हुआ है, यूनिवर्सल सेलेक्टर के माध्यम, इतना क्लियर है ना। अब चलिए एक चीज और समझ लीजिए इसके साथ साथ में, HTML हमने आपको कमेंट आउट करना बताया था, याद है कि अगर जो हम कमेंट आउट लिख देंगे तो हमको आउटपुट में दिखाई नहीं, तो अभी जितना हम लिखे वो कमेंट आउट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम किसका इस्तेमाल करेंगे, पहले लेस देन, एक्सक्लेमेशन मार्क और फिर माइनस करेंगे, और इसके इधर का कंटेंट हम यहाँ से हटा देंगे। अब देखिए सारा ग्रीन कलर हो गया है, सारा ग्रीन कलर है, यानी कि सारा क्या है, कमेंट आउट। हम सिर्फ कहाँ तक रखना चाहते हैं, यहाँ तक, तो उसको यहाँ पे ला क्या कर देंगे, बंद। ऊपर सारा ग्रीन है ना, जो अभी आउटपुट में आपको दिखाई नहीं, सेव किए और सेव करने के बाद फिर कहाँ पे आ गए, आउट। तो क्या उतना कंटेंट दिखाई दे रहा है, बस दो हमने छोड़ा है, एक पैराग्राफ और एक H1 हेडिंग, तो बस वही दोनों दिख रहा है ना, क्लियर है ना। क्या नहीं, बस आपको दो ही बार लेना है कमेंट आउट, दो बार जैसे ओपन करेंगे ना तो दो बार क्लोज अपने आप आ जाएगा, आपको लगाने की आवश्यकता नहीं। हम इसलिए यहाँ पे ये कमेंट आउट बता दिए कि अभी तो ये हम किसका इस्तेमाल किए हैं, H1, ये HTML में ना, ये HTML में ही तो हम लोग इस्तेमाल किए हैं इसका ना, कमेंट आउट का, लेकिन यही कमेंट आउट हमको CSS में करनी, इसमें करनी हो CSS, कि अभी तक हमने जो भी स्टाइल किया है स्टाइल अभी डिलीट नहीं करना है, बस हमको आउटपुट चेक करना है, उसके लिए हम लोग इसमें कमेंट आउट का इस्तेमाल करते हैं। पहले आपको फॉरवर्ड स्लैश देना होगा और मल्टीप्लाई का सिंबल, देखिए सारा कमेंट आउट हो गया है ना, कमेंट आउट तो सारा हुआ है ना। अब लास्ट में जाकर हम क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई का सिंबल दे देंगे और फिर फॉरवर्ड स्लैश दे देंगे, क्या बस इतना ही ग्रीन दिख रहा है ना। अब सेव करिए और आउटपुट में आ जाइए, अब भी आपको इसमें कोई स्टाइल दिखाई, हो जाएगा ना। तो यहाँ पे जो कमेंट आउट का मतलब ये याद रख लीजिए, यहाँ पे कमेंट आउट लगाने के लिए आपको ऐसे टैग का इस्तेमाल कर ले, जहाँ ओपन करना होगा वहाँ पहले फॉरवर्ड स्लैश फिर बाद में हैश ये स्टार, और जहाँ क्लोज करना होगा वहाँ पहले स्टार और फिर बाद में फॉरवर्ड स्लैश, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। पहले इतना लिखिए फिर आप लोग ग्रुप सेलेक्टर बताते हैं, कमेंट आउट फिलहाल अभी हटा देना। कमेंट आउट के लिए नोट कर लीजिएगा आपको कैसे कमेंट आउट देना हो। अभी तक तो हमने कितना कितना ग्रुप समझा, कितना सेलेक्टर, लास्ट हम लोग का अगला क्या है, ग्रुप सेलेक्टर। अगला कौन सा है, ग्रुप सेलेक्टर। अब देखिए ग्रुप सेलेक्टर कैसे काम करेगा, तो पहले जितना भी हम स्टाइल दिए हैं ना सबको हम यहाँ से डिलीट कर दी, डिलीट कर दिया, फिर कमेंट आउट कर दे रहे, ताकि बाद में अगर इसको इस्तेमाल भी करना है तो कमेंट आउट हटा हम क्या कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते, हो जाएगा ना। अब देखिए नीचे हमको ग्रुप सेलेक्टर का इस्तेमाल करना है, क्योंकि अगर जब भी हम सेव करें
और आउटपुट पे आ जाएं, आपको कोई फॉर्मेटिंग नहीं दिख रहा है ना, नहीं दिखाई दे रहा है। अब सपोज करिए कि हमको यहाँ क्या करना है, इस्तेमाल करना है किसका, चलिए हम आईडी से ये एलिमेंट सेलेक्टर लेके ही चलते हैं। हमने ये H1 दे दिया है, फिर क्या दिया है, पैराग्राफ दिया, तो दोनों पे सेम फॉर्मेटिंग करनी है ना, H1 पे और फिर किस पे, पैराग्राफ। या फिर देखिए हमने पैराग्राफ के लिए भी क्लास का इस्तेमाल किया, पैराग्राफ के ये P1 P के लिए और P1 के लिए भी, आ रहा समझे ना। और ये दोनों पे हमको सेम फॉर्मेटिंग करना है, हम ग्रुप सेलेक्टर का इस्तेमाल करें। तो पहले तो क्लास के लिए हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डॉट्स, और पहले हम लिखेंगे P और कॉमा करके दे देंगे P1, कॉमा करके क्या दे देंगे P1। और यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट को हो जाएगा। या फिर दूसरी चीज हम यहाँ पे इस्तेमाल कर लेते हैं सिर्फ किसका, जैसे सपोज करिए हम पहले कर दिए सिर्फ H1 कॉमा फिर P, यानी कि पैराग्राफ, दोनों में हमको सेम फॉर्मेटिंग करनी है, तो दोनों का ग्रुप बन गया है। कर्ली ब्रैकेट को ओपन करिए, अब देखिए सिर्फ हम यहाँ पे लिख दिए बैकग्राउंड कलर, क्या लिख दिए, बैकग्राउंड, सेव किए, और सेव करने के बाद से हम आउटपुट पे आ गए। तो क्या अब आपको पूरे पैराग्राफ और पूरे हेडिंग की वही सेम कलर दिख रहा है ना, हो जाएगा ना। चलिए काम करते, जो नीचे वाला हम लोग का H1 है ना, इस H1 को हटा करके हम H2 कर देते, इसको क्या कर देते हैं, यस, यहाँ भी और यहाँ भी। अब ये H1 नहीं रहा बल्कि क्या हो गया है, यस। देखिए इस पे कोई कलर नहीं हुआ होगा, कोई कलर हुआ है, हम चाहते हैं सेम यही कलर इस पर भी हो जाए, तो इसके उसके ग्रुप में इसको भी शामिल कर लें। यहाँ पे करेंगे पहले कॉमा, और कॉमा करने वाले H2 लिख देंगे, बस उसका ये भी ग्रुप बन गया। सेव करेंगे, और सेव करने के बाद फिर कहाँ पे आ जाएंगे, आउटपुट, क्या अब सेम फॉर्मेटिंग हुआ है ना। तो अब हमको अगर सब में वही फॉर्मेटिंग करना है, हमको बार बार वहां पे यानी कि ऐसे स्टाइल कर्ली ब्रैकेट लगाने की आवश्यकता नहीं, एक ही बार लगाइए, और एक ही बार में उस सब सारे टैग में क्या होता जाएगा, फॉर्मेटिंग होता हुआ चला जाए, कर ले जाएंगे ना, कोई दिक्कत इसमें। तो ये ध्यान रखिएगा, अभी हमने आपको बताया कितना सेलेक्टर, 5 सेलेक्टर, कौन कौन सा, तो पहला हम लोग को था एलिमेंट सेलेक्टर, दूसरा क्या था आईडी, तीसरा क्या था क्लास, चौथा क्या था यूनिवर्सल, और पांचवा क्या था, क्लियर है ना। तो ये आज आप लोग सेलेक्टर का सारा इस्तेमाल करिएगा, और थोड़ा सा नोट्स में ध्यान दीजिए, इस सेलेक्टर के बाद से हम लोग का दिया है क्या है, हाउ टू एड सीएसएस, जो हमने आपको बताया था इनलाइन इंटरनल और एक्सटर्नल, ये आप लोग पढ़ चुके हैं ना, इंटरनल एक्सटर्नल और उसके बाद से इनलाइन। और जब आगे आएंगे तो अगला देखिए आपका दिया, सबसे पहले क्या सीएसएस कमेंट, क्या दिया है सीएसएस कमेंट, जो हमने यहाँ पे सीएसएस कमेंट का इस्तेमाल किया, हो जाएगा ना। चलिए तो ये आज आप लोग यहाँ तक ट्राई करिएगा, और अगले क्लास में आपको बताएंगे किसके बारे में, CSS बैकग्राउंड के बारे, किसके बारे में, CSS बैकग्राउंड के, अगर जो CSS से बैकग्राउंड लगाना है तो कैसे हम बैकग्राउंड लगाए। तो आज आप लोग यहाँ तक ट्राई करके आइए लोग, तो आज के लिए बस इतना है। अच्छा।